हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, कल वाली एक्सरसाइज सभी लोग देख चुके होंगे। आज भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं, क्रॉस सेक्शंस करने वाले हैं। आज जो भी शेप आपको दी जाएंगी उनको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे कट करना है, आज हम केवल ये सीखने वाले हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी पूरी की पूरी आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी केवल 5 और 10 मिनट के अंदर। चलो, तो किसी को भी बीच में से छोड़ के नहीं जाना, सभी लोग पूरी वीडियो देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट, यानी आप क्या क्रॉस सेक्शन, आपको क्या क्रॉस सेक्शन मिलेगा जब आप किसी भी शेप को कैसे काटोगे, वर्टिकली काटोगे या हॉरिजॉन्टली काटोगे। तो क्या दिया है, फर्स्ट में क्या दिया है, ब्रिक दिया है। तो चलो पहले ब्रिक बना लेते हैं। ये हमने बना ली ब्रिक, ठीक है, ये हमारी ब्रिक बन गई। अब उन्होंने कहा, यानी क्वेश्चन में बोला है कि वर्टिकली कट, तो वर्टिकली कट कैसे होगा, वर्टिकली ये इस तरीके से कट होगी, ठीक है, ऐसे ही कट होगी ना वर्टिकली। तो जब आप इसको वर्टिकली काटोगे तो कैसे कटेगी भाई, ऐसे ही तो शेप दिखाई देगी इसकी, फिर भी ऐसे ही शेप दिखाई देगी, यानी अब ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी लेकिन शेप आपको यही दिखाई देगी, ठीक है, ये बन जाएगी शेप। Clear? और ये वाला पोर्शन कैसा दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गया कि जब आप किसी भी ब्रिक को वर्टिकली कट करोगे, वर्टिकली मतलब बीच में से आधा करोगे, तो आपको क्या शेप दिखाई देगी, तब वो ब्रिक केवल साइज में छोटी हो जाएगी, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, हॉरिजॉन्टली कट करोगे, हॉरिजॉन्टली का मतलब है, यहां बना देती हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि ब्रिक आपके सामने है और आप इसको कहां से कट करोगे, यहां से कट करोगे, यहां से, ठीक है, कहां से कट करोगे, यहां से कट करोगे, तब आपको कैसी दिखाई देगी, तब ये पतली हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, इस तरीके से, और शेप क्या बनेगी इसकी, सामने से यानी ऊपर वाला व्यू जो होगा, ये वाला व्यू, ये कैसा व्यू दिखाई देगा, ये आपको रेक्टेंगल शेप में ही दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों तरीके से कि अगर आप इसको वर्टिकली कट करोगे तो जो फ्रंट व्यू होगा वो ये वाला होगा, जब आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो बीच में से आप दो पीस करोगे ना, यानी आपके पास कोई ब्रिक है ऐसे ऐसे, आप इसको जब यहां से कट करोगे बीच में से इस तरीके से, तो कैसी हो जाएगी भाई, जो 2 सेंटीमीटर मोटी थी वो कितनी रह जाएगी, वो 1 सेंटीमीटर मोटी रह जाएगी, है ना, बाकी शेप तो वही रहनी है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका अपर व्यू है, यानी ऊपर से देखने पर वो आपको रेक्टेंगल की शेप में ही नजर आने वाली है, ठीक है। आप देखो, एक राउंड एप्पल, हम एप्पल ना लेकर बॉल ले लेते हैं, ये हमने बॉल ली, बॉल को क्या किया, वर्टिकली कट किया, ठीक है, जब बॉल को आप वर्टिकली कट करोगे तो बॉल कुछ इस तरीके से टूटेगी, दो शेप में इस तरीके से कटेगी, ठीक है। अब ये वाला जो व्यू है वो आपको कैसा नजर आएगा, बिल्कुल एक सर्कल की तरह ही नजर आएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, जब आप किसी बॉल को या एप्पल को हॉरिजॉन्टली कट करोगे तब क्या होगा, तब भी तो वो इसी शेप का रहेगा, एक पोर्शन आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा और दूसरा पोर्शन आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। और जो साइड से आपने उसको कट किया है वहां का जो व्यू होगा वो सर्कल ही होगा, यानी अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब आपको रेक्टेंगल क्यूबॉइड कट करने के लिए दिया तो जो उसका कट वाला पार्ट था, यानी जहां से आपने उसको काटा था, वो शेप कैसी दिखी थी आपको, वो क्यूबॉइड ही दिखी थी, है ना। और जब आपने एक एप्पल को कट किया या आपने एक बॉल को कट किया तो जो कट वाला पार्ट था उसका, वो आपको कैसा नजर आया, राउंड ही नजर आया, यानी शेप में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है।
नेक्स्ट देखो डाइस, ये डाइस है, जब आप इस डाइस को वर्टिकली कट करोगे ऐसे तब क्या होगा बताओ जल्दी से, तब ये छोटे पीसेस में टूट जाएगा। नहीं ऐसे नहीं बनाते, तब ये छोटे पीसेस में टूट जाएगा दो, ठीक है। क्लियर। और ऊपर वाली जो शेप बन जाएगी डाइस की, यानी डाइस किसको कहते हैं, क्यूब, एक क्यूब को हम डाइस कह सकते हैं, है ना, एक क्यूब को हम डाइस कह सकते हैं। जब आपने इसको वर्टिकली कट किया, वर्टिकली मतलब यहां से नहीं, ऐसे कट किया, ठीक है, जब आपने इसको वर्टिकली कट किया तो कुछ इस तरीके की शेप बनी। और ये जो आपका फ्रंट व्यू है ये स्क्वायर ही बनेगा। जब आप इसको हॉरिजॉन्टली करोगे, ये हॉरिजॉन्टली है, सॉरी भाई, ये हॉरिजॉन्टली है, जब आप इसको वर्टिकली कट करोगे, यानी जब आप एक क्यूब को वर्टिकली कट करोगे इस तरीके से, तब भी आपको क्या शेप दिखाई देगी, तब भी आपको यही शेप दिखाई देगी, ये इस तरीके से दो पीस में कट हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्रंट व्यू होगा तब भी तो वो ऐसा ही दिखेगा, यानी क्यूब ही दिखेगा, है ना, स्क्वायर ही दिखेगा, क्यूब का जो फ्रंट व्यू होगा वो स्क्वायर ही दिखेगा। नेक्स्ट देखो, अ सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप है, चलिए सर्कुलर पाइप बना लेते हैं पहले, ठीक है, ये सर्कुलर पाइप बन गया। जब आपने इसको इस तरीके से कट किया तो ये छोटे छोटे दो टुकड़ों में सेम शेप में कट हो गया, ठीक है। और जो इसका फ्रंट व्यू था वो ये रहा। नेक्स्ट, जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, यानी एक पाइप को जब हॉरिजॉन्टली कट किया, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से कट किया, तो कैसा दिखेगा ये पाइप, क्योंकि नीचे से हॉलो होता है तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। और दूसरी शेप आपकी ये बनेगी, ये इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। और अंदर का, यानी ये वाला जो पार्ट है वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो आपको स्क्वायर दिखाई देगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एन आइसक्रीम कोन, ये बन गया हमारा आइसक्रीम कोन, जब हमने इसको वर्टिकली कट किया तो क्या शेप आई, इस तरीके से, ठीक है। जो अंदर वाली साइड थी, जो अंदर वाली साइड थी जहां से आपने इसको कट किया था, वो कैसी नजर आएगी, वो आपको इस तरीके से नजर आएगी। क्लियर। और जब आप इसको वर्टिकली कट करोगे ऐसे, तब क्या बनेगा, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट फिर से एक कोन ही बनेगा, छोटे साइज का एक कोन ही बनेगा, ठीक है। अब जो इसका अंदर वाला है पार्ट वो इस तरीके से दिखाई देगा, और इसका जो अंदर वाला कटेड वाला पार्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गए। केवल आपको कट करना है, कट करके दिखाना है कि किस शेप को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कट करने पर वो कैसे नजर आएंगे या वो कैसे कट होंगे। केवल यही एक क्वेश्चन था आज के लिए, बहुत छोटी सी क्लास थी, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल जो जितने भी सेक्शन मैंने कराए हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर एक्सरसाइज 15.4 के साथ हम लोग मिलेंगे।
तब तक मुझे कमेंट कर बताएंगे कि आज का सेक्शन आपको कैसा लगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा। पसंद आया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी लोग लाइक और शेयर भी कर देंगे। आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर आपको डेली एक क्लास मिलती है जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, है ना। चल कल फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।